नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज फिर हतिया केनरा बैंक के पास एक ट्रक ने एक युवा को टक्कर मारी। जिस तरह से हतिया का ये लड़का बताया जा रहा है, जिसका नाम नीरज है, पिताजी का नाम अशोक सिंह है शायद, लेकिन जिस तरह से गाड़ियां बेतरतीब चल रही हैं, आने वाले समय में न जाने कितनी लोगों की जिंदगियां लील करें। हालांकि सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर विजय कुमार दलवल के साथ मौके बरदात पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिस तरह से ओवर स्पीड गाड़ियां चल रही है, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि गाड़ी ओवर लोड नहीं चले। कई मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई। आखिर ये मजिस्ट्रेट है तो है का? इन मजिस्ट्रेटों को भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी। सिर्फ जिलाधिकारी 12 बजे रात 1 बजे रात जाके काम करते, मजिस्ट्रेट खा पी के मस्त सोते, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जिलाधिकारी को इन तमाम मजिस्ट्रेटों पे निश्चित कार्रवाई करनी होगी। तभी खास करके जो ग्रामीणों का मांग है, यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जाए। स्थानीय प्रशासन से भी हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, यहाँ भी बैरिकेडिंग 2-3 चाहे जो भी हो, यहाँ स्थानीय लोगों की देखरेख में बैरिकेडिंग लगाइए, तभी दुर्घटना से निजात मिल सकती है। देखिएगा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आपका मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। क्या कैसे क्या हुआ था नीतीश जी? यहाँ ये आपका रोड आपका इस लाइफ से इंक्लाइंट है ना, ये और इस टाइप से इंक्लाइंट है, तो डीटीओ और एनएचआई का रूल होता है एक कॉन्केव मिरर लगाने, ताकि उधर की गाड़ी इधर पता चले, वो मिसिंग है। जब गांव स्कूल और मिरर है, छोटे छोटे स्लॉप्स का ब्रेकर लगता है, वो मिसिंग है यहाँ पर। और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है। आज एक बच्चा एक्सीडेंट हुआ, 90% लोग बोले मर गया। वो बच्चा खुद से सांस लिया तो हाथ हिला है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाके गए, और किसी को कुछ बोले तो अभी दुर्घटना कैसी क्या हुई ये बताइए। जो आपको बताया वही दुर्घटना हुई है। हुआ था नीतीश जी, उधर से अभी एक ट्रक आ रहा था। किधर से? सोनो तरफ से। एक मिनट, उधर से बच्चा अपना आ रहा था मोटरसाइकिल से, ठीक। इधर से ट्रक स्पीड में था। अच्छा। यहाँ पर एक टोटो लगी हुई थी, ठीक। वो बच्चा इतना बैलेंस किया कि वो टोटो में टकराया और वो ट्रक निकल गया, क्योंकि ट्रक अनबैलेंस था और वो इसमें टकराया। और ट्रक था या हाइवा था? कुछ लोग हाइवा कर रहे हैं। ट्रक हाइवा उतना रात में थोड़ी ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। फिर क्या हुआ, बच्चे की स्थिति कैसी है? कहाँ का बच्चा था वो? गया है। क्या नाम है उसका? पता नहीं, वो तो बाद में पता चला। बबलू कुमार यादव। बबलू जी, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? जितना आज बच्चे की दुर्घटना हुई, हत्या का ही बच्चा है। सर, मेन रोड है, इसमें तो गाड़ी आएगा जाएगा, हम गाड़ी को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ब्रेकर बैरिकेड चाहिए, एकदम चाहिए, जरूरत है। बहुत घनी आबादी वाला बैरिकेडिंग चाहिए। हाँ चाहिए, घनी आबादी वाला ये गाँव है सर। प्रमुख प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, क्या कुछ हुआ यहाँ चंद्रदेव जी? एक्सीडेंट हो गया सर, वो जो छोटा गाड़ी चलता है ना, वो बालू वाला, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा अच्छा, फिर क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन, क्योंकि खुद आप ब्लॉक प्रमुख? क्या मांग कर रहे हैं सर? ब्रेकेटिंग वाला आश्वासन मिला है कि सुबह थाना में मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेकेटिंग की आप भी मांग कर रहे हैं? जरूरी है आपको। देखिए, ये जैसा कि आप जानते हैं वीरेंद्र भाई, सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप आए। और ये पिछले बार भी जब से जब जब बालू का टेंडर होती है, तब सभी ट्रक वाले लोग अपना पहली नंबर लगाने के लिए ये भी भूल जाते हैं कि बगल में कोई गांव बसा हुआ है, गांव में दैनिक कार्य के लिए कोई आवागमन कर रहा है, कोई मार्केट जाता है, कोई मार्केट से आते हैं। तो इसकी पिछले बार भी जब हुआ था, तो कम से कम मोर देन 40 के संख्या में हत्या हुई थी, मृत्यु कहा जाए, एक्सीडेंटियल हत्या हुई थी। तो अगले बार भी हम इसका सूचना दिए थे थाना पर। अभी क्या हुआ, अभी की जानकारी दीजिए ना। अभी की जानकारी यही कि उधर से बालू वाली गाड़ी आ रही थी, आई और हम लोग आगे बढ़े थे, उधर से मोटरसाइकिल से बाजार से आ रहे थे। बड़ा क्या नाम है लड़का का? लड़का का नीरज कुमार नाम है। कहाँ गए उसका? हतिया। पिताजी का नाम जानते हैं उनका? अशोक सिंह। अशोक सिंह, कितना उम्र होगा उसका नीरज का? उम्र उसका होगा 26-27। अच्छा, वो कहाँ से आ रहा था? वो आ रहा था खेत खलियान से। किधर? माने इधर इस साइड? इस साइड खेत खलियान से, रिंग रोड गंगा करो जोकटिया। अच्छा, जोकटिया तरफ से आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद जोकटिया घुस के अपना घर की ओर घुसा, जैसे आया इधर, तो ट्रक वाला जो है इतनी स्पीड थी कि ट्रक वाला बैलेंस नहीं करके उसको आमने सामने मार दिया। जब आमने सामने मार दिया, तो लड़का जो टोटो खड़ी थी, टोटो में जाके पटका गया। अच्छा अच्छा, पटका गया तो उसका मरना से मरनो स्थिति में हम लोग देखे, तो फिर उठा के एनके प्रकार से हॉस्पिटल भेजे। कितने बजे की घटना है ये? ये घटना 7:44 की घटना। अभी तुरंत? जी जी जी।
हाय बार बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है यहाँ। हालांकि सूचना मिलती है 112 झाजा के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार यहाँ पहुँच के झाजा ले, गाड़ी तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, ये देखिए पूरा शीशा बिखरा हुआ है। नहीं क्या बोल रहे पता है, ये हमारा जो पुलिस परवाह नहीं है, जो स्पीड है सही बात बोल रहे ना, जो स्पीड है वो डीटीओ का है, डीटीओ तो कम हियर, ये जो है जिसको बुलाना है बुलाइए, ये जो काम है ना जी, पूरे बिहार में कहीं वह मीटर नहीं लगी हुई, कहीं अगर मीटर कहीं अगर कोई मीटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो जो बच्चा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप चलो यहाँ कौन देगा, अरे वो जो रोड ब्रेकर जो बनता है ना, ब्रेकर ब्रेकर टाइप का दे सकते हैं। अच्छा अच्छा एक मिनट एक बार बताइए, आपके पास आप अगर आपके पास थाना के पास क्या चीज का सुरक्षा, कौन चोरी करेगा यहाँ से, चोरी करेगा बैरिकेडिंग या पांच आदमी या वन लिंक के अगर थाना चोरी कौन करेगा, हमारी बड़ा आके वहाँ जाके रिसीव कर, बात हो गई, बात खत्म हो गई, बात हुई है। रात में इसको कौन देखेगा, बैरिकेडिंग देगा। आपको एक बात बता दूं सर, पूरे गांव में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जान के बदले बैरिकेड बेच देगा। अरे बेचना नहीं है, मान लो जैसे लगाओगे जिग जैग लगाएगा, जिग जैग में रहेगा, देखने वाला उसको तो होना चाहिए ना, जैसे भिक्षे वगैरह सब जगह लगाओगे, मैंने बात किया, बस हो गया, बहुत वहाँ रखा हुआ है, ठीक है लगा हुआ है, बड़ा गाड़ी ऐसा डिस्टर्बेंस, आप आइए, आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं, रोड है,